लेकिन इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हम फरवरी 21 फरवरी को अयोध्या की तरफ कूच करेंगे साधु संत। मंदिर निर्माण की दिशा में ये इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है। साधु संत करेंगे अयोध्या की तरफ कूच। आपको बता दें कि अभी प्रयागराज में भी जिस तरह से परम धर्म संसद चल रही है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, तो वहां पर भी लगातार विचार चिंतन मंथन चल रहा था। लेकिन 21 फरवरी को आधारशिला रखी जाएगी, उस तरफ साधु संत कूच करेंगे, तो क्या ये पूरा मामला अब आंदोलन की दिशा में बढ़ रहा है? सवाल इस पर भी। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि यही लग रहा था कि क्या अब साधु संत इतने बेसब्र हो गए हैं कि यहां से अब उनकी तरफ से कोई एक कदम आगे दिखाई देगा, और ऐसा लग रहा है कि 21 फरवरी तारीख चुन ली है उन्होंने। बिल्कुल मीनाक्षी, साधु संतों ने दरअसल चेतावनी दे दी थी कि अब राम मंदिर के लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता, और यहां तक कि न्यायपालिका और सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाते हुए ये भी कहा कि अब साधु महात्मा खुद अपने हाथ में लेंगे ये पूरा फैसला। और आज 3 दिवसीय जो धर्म संसद थी, परम धर्म संसद जो जगत गुरु शंकराचार्य ने बुलाई थी, उस धर्म संसद के तीसरे दिन राम मंदिर के ही मसले पर चर्चा हुई, और अब 5 मिनट पहले एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि तमाम साधु संत अब खुद ही कूच करेंगे अयोध्या की ओर, और राम मंदिर के लिए आधारशिला रखी जाएगी, और उसी जो प्रस्ताव था उसी को परम धर्म संसद में बहुमत से पारित किया गया है, पास कर लिया गया है, और यह ऐलान किया गया है कि अब 21 फरवरी को तमाम साधु संत इसी प्रयागराज से अयोध्या की ओर कूच करेंगे, और जहां रामलला का जन्म हुआ था वहीं पर भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि कल विश्व हिंदू परिषद ने भी धर्म संसद बुलाई है, और वहां पर भी तमाम सारे ये जो अलग अलग मठ हैं, अलग अलग अखाड़े हैं, उनके महंत, उनके प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर प्रयागराज से, साधु संतों ने ऐलान कर दिया है। पिछले काफी दिन से प्रयागराज में मौजूद हैं, और खुद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से भी कई बार ये स्टेटमेंट आया कि वो खुद जाएंगे अयोध्या और वहां पर आधारशिला रखेंगे। लेकिन अब जब ये प्रस्ताव पास हुआ है तो सवाल ये भी बनता है कि उनके साथ कितने साधु संत जुड़ेंगे, कितना समर्थन उन्हें इस समूह से मिलेगा। देखिए, एक तरफा साधु संतों में एक राय तो है कि राम मंदिर के लिए अब आगे साधु महात्माओं को ही आना होगा, चाहे वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हो या फिर इस मामले में पक्षकार महंत धर्मदास हो। तमाम साधु संत कहते रहे कि सन्यासी साधु मिलकर ही मंदिर बना सकते हैं, सरकार ने बहुत इंतजार करवा लिया, न्यायपालिका से इंतजार लंबा हो गया। हाँ, ये जरूर देखने वाली बात होगी कि जब स्वरूपानंद सरस्वती जाएंगे, हालांकि शंकराचार्य हैं, उनके अपने जो मठ हैं, उनके अपने समर्थक हैं, तो जाहिर है कि उनके जो समर्थक हैं वो उनके साथ होंगे। क्या दूसरे मठ, दूसरे अखाड़े और दूसरे जो शंकराचार्य हैं, क्या वो शामिल होंगे, उस पर अभी सवाल बना रहेगा। हालांकि जल्दी हम कोशिश करेंगे उनसे भी जवाब लें कि क्या वो अब इस मुहिम में शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल प्रयागराज से तो बड़ी खबर ये कि 21 फरवरी का दिन जो है तय कर दिया गया है। और देखना ये भी होगा कि 21 फरवरी की जो ये तारीख चुनी गई, ये प्रस्ताव जो पास हुआ, ये 2 अहम डेवलपमेंट्स के बाद आया है। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस बोबड़े क्योंकि उपलब्ध नहीं थे तो वो सुनवाई टल गई, फिर कोई नई तारीख नहीं मिली। और उसके बाद केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट याचिका लेकर पहुंची, जिसमें गैर विवादित जमीन को वापस लौटा दिया जाए, इस बात की गुजारिश कोर्ट से की गई। इन 2 डेवलपमेंट्स के बाद ये प्रस्ताव आज पास होता है, जिसमें साधु संत खुद ये कह रहे हैं कि वो 21 फरवरी को कूच करेंगे अयोध्या का, और वहां पहुंचकर आधारशिला रखी जाएगी। डॉक्टर संबित पात्रा, अब जो ये खबर निकलकर आ रही है, निगाहें सबकी प्रयागराज की तरफ थी, क्या मायने इसके निकाले जाएं? आपकी सरकार ने जो कदम उठाया उस पर भरोसा नहीं है साधु संतों को, वो उससे अभी भी खुश नहीं है, इसलिए अब अपने हाथों में कमान ले ली है। मीनाक्षी जी, बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहूँगा, प्रवक्ताओं का एक रूल होता है कि अभी आपने ब्रेक किया है, सबसे सम्मानित चैनल है, मुझे कुछ समय चाहिए पड़ेगा इन सारे तथ्यों को देखने के पश्चात ही मैं इस पर रिएक्ट कर पाऊंगा। मगर इतना मैं कह सकता हूँ कि साधु सन्यासी जो होते हैं वो बहुत ही सम्मानित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका बहुत सम्मान करती है। उन्होंने क्या निर्णय लिया है, क्या नहीं लिया है, ये इसके तथ्य पे हम जाएंगे। मगर जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, कल जिस प्रकार का एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिया गया, कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन दी गई है कि जो 67 एकड़ 67.70, सॉरी मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अभी आप इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये तस्वीर लगभग उभरनी काफी दिनों से शुरू ऑलरेडी हो चुकी थी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कल के दिन में भी जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार मूव हुई है, तो साधु संतों का ये कहना था प्रयागराज से कि ये छलावा है। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं कल खुद डिबेट में था, हमारे साथ बहुत सारे साधु सन्यासी थे जिन्होंने इसका स्वागत किया है। देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने अपने व्यूज रखने की एंटाइटलमेंट है, वो रख सकते हैं। साधु सन्यासी अयोध्या भी जा सकते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का दो मत नहीं है। मगर क्या
तत्वावधान उन्होंने लिया है, किस नजरिए से जा रहे हैं, ये सब अभी देखना और साफ होना बाकी है। मैं भी उसके पूरे मूल तक जाऊंगा, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और गर्व से मैं कहता हूं कि उस स्थान पर राम मंदिर बनना चाहिए, वो रामलला जी का जन्म स्थान है। लगातार हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारे वकील, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उसी दिशा के लिए काम करते हैं, मगर यहां मेरी बहन प्रियंका जी बैठे हैं, इनके वकील जाके वहां पर किस प्रकार से कोर्ट को स्टॉल कर दिया जाए, राम मंदिर का विषय सुनवाई नहीं हो, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, और पिछले बार भी देखा हमने जब सुनवाई होने ही वाली थी इन्हीं के वकील ने वहां पर एक तरह से अड़चन खड़ा कर दिया, कोर्ट स्टॉल हो गई, दोबारा एक बेंच का गठन हुआ। और मैं यहां पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी तो मौजूद हैं, कि जो 67 एकड़ जमीन, 67 एकड़ जमीन, एक लाइन खड़े, जो 67 एकड़ जमीन हम चाहते हैं कि हिंदुओं को, मैं हिंदू शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फारूक इस्माइल केस में इस जमीन के लिए हिंदू शब्द इस्तेमाल किया है, हिंदुओं को वापस होने का यह स्वागत करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।